हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने क्रिसमस ट्री की एक्टिविटी लेकर आई हूँ। तो आज हम पेपर से एक्टिविटी बनाएंगे और पेपर से हम क्या बनाएंगे, क्रिसमस ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमें क्या करना है, कोई भी सर्कल बनाने के लिए आप किसी भी चीज के लिए प्लेट ले सकती हैं, किसी का ढक्कन ले सकते हैं, या आप खुद भी बना सकते हैं। और ये हमने ड्रॉ कर लिया है सर्कल, अब हम इसे कट करेंगे। ये इस तरीके से हमने सर्कल कट कर लिया है, अब इसे हम फोल्ड करेंगे। ये वन टाइम, और ये टू टाइम। तो ये हम इसमें क्या आ जाएगा, फोर पार्टीशन आ जाएंगे। अब हम इसे कट कर देंगे। ये हमने एक लाइन से इसको कट कर दिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, ये हमें लाइन दिख रही है, इसके यहां तक हम क्या करेंगे, फोल्ड। फिर एक बार आगे से और एक बार इसकी बैक साइड से। ये इस तरीके से आ गया है। यहां से क्या है, ये सारे बंद है, यहां से ओपन है ना, हमने यहीं से शुरू करा था और यहीं से एंड हो गया है। तो हम इसी जगह से हम क्या करेंगे, कट करेंगे। हम इसको टॉप से कट कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ग्लू लेंगे। ये हमने इस तरीके से पेस्ट कर दिया है एक तरफ से। ये हमने इसके लिए स्टिक पहले से ही रेडी कर रखी है, कोई भी स्टिक ले लीजिए, उस पे हम साटन रिबन से या पेपर से या कलर से हम इसको कर सकते हैं। अब ये हम क्या करेंगे, ये वाली जो स्टिक है इस पे हम ग्लू लगाएंगे और इसको हम बीच में से इस तरह से निकाल देंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे। ये हमारा क्रिसमस ट्री रेडी हो गया है पेपर से, अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। इस तरीके से मैंने इसको नॉट लगा दी है, अब हम स्टोन से डेकोरेट करेंगे। Bring it right here. Good timing.
ये छोटी सी बेल भी आप लगा सकते हैं। स्टार ये हमारा क्रिसमस ट्री रेडी हो गया है। अब हम इसे किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं और इसे और अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो कैसा लगा? अच्छा लगा? ओके, अब ये हमारा क्रिसमस ट्री रेडी हो गया है और हम क्रिसमस के दिन इसको और भी अच्छे से डेकोरेट कर लगा सकते हैं और अपना क्रिसमस मना सकते हैं। ओके एवरीवन, तो स्टूडेंट्स अब आप इसी तरीके से क्रिसमस ट्री पेपर से बनाइए। ओके एवरीवन।